सर सबको अनम्यूट कर दीजिए, सर म्यूट कर दीजिए प्लीज सर। तो आइए सर, अभी सर हमने टीसी छाबड़ा जी को सुना सर, एक युग पुरुष, एक ऐसे व्यक्ति जो भारत के लिए सर कुछ करना चाहते हैं सर। मैं सर आंखों से आंसू आ जाता है जब टीसी रिस्पेक्टेड आदरणीय टीसी छाबड़ा जी के बारे में जब मैं सोचता हूँ, दिल से सोचता हूँ, उनकी बातों को सुनता हूँ, ध्यान से गौर करता हूँ, मेरे आंखों से आंसू आ जाता है सर। मैं सोचता हूँ कि एक व्यक्ति देश के लिए कितना बड़ा करना चाहता है सर, एक व्यक्ति देश के लिए कितना बड़ा सोच है, एक व्यक्ति का उम्र आज समझिए कि इतनी बड़ी उम्र हो गई है, लेकिन इस उम्र में भी वो देश के लिए क्या सोच रहे हैं, देश को क्या देकर जाना चाहते हैं, देश को एक ऐसा सिस्टम देके वो जाना चाहते हैं जिससे देश में हमारे हर चीज का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। उन्होंने सर आप देख सकते हैं सर, वो अपनी स्पीच में बहुत सारे ऐसे चीज भी दिए हैं, जैसे कि उनकी बहुत सारे स्पीच भी है, जीवन ज्योति है, बहुत सारे ऐसे उनका स्पीच है, और उनके बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं जिसमें उन्होंने भारत को लेके बहुत बड़े बड़े उन्होंने बातें किया था। और मैं चाहूंगा, और आज 15 अगस्त है तो आज के दिन मुझे मौका भी मिला है कि मैं उनकी एक छोटी सी संदेश को पहुंचाना चाहूंगा। उन्होंने गाने के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश उन्होंने दिया है, जिस गाना को मैं गाना चाहूंगा, जिस सॉन्ग सॉन्ग को मैं गुनगुनाना चाहूंगा। मैं देखिए सर गायक तो नहीं हूँ, मेरा गला भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बस एक मैसेज देना चाहूंगा इस गाने के माध्यम से। तो सभी साथी दिल से इस गाने को सुनिएगा, मैं 2 मिनट में टीसी छाबड़ा जी के एक गाना है जिसको मैं गाना चाहूंगा, तो आप सभी साथी ध्यान से सुनिएगा और महसूस कीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आजादी का मतलब बंदे, आजादी का मतलब बंदे, जान सके तो जान, तुझे मिला जो मानव जीवन, कीमत उसकी तू पहचान। आजादी का मतलब बंदे, जान सके तो जान, तुझे मिला है मानव जीवन, कीमत उसकी तू पहचान। आजादी का मतलब बंदे, कोई भूखा क्यों सोवे जन, उखड़ा रहे किसी का क्यों तन, क्यों भूखा सोए क्यों जन, उखड़ा रहे किसी का क्यों तन, काम से कोई ना घबराए, हाथ कोई जन ना फैलाए, हाथ कोई जन ना फैलाए, खुद ही अपना बोझ उठाए, यहाँ का हर इंसान, तुझे मिला जो मानव जीवन, कीमत उसकी तू पहचान, कीमत उसकी तू पहचान। आजादी का मतलब बंदे, जान सके तो जान, तुझे मिला है मानव जीवन, कीमत उसकी तू पहचान, कीमत उसकी तू पहचान। आजादी का मतलब बंदे, नैतिक मूल्यों को अपनाए, न्याय नीति से धन कमाए, नैतिक मूल्यों को अपनाए, न्याय नीति से धन कमाए, सब धर्मों से बढ़कर है जो, मानवता का धर्म बनाए, मानवता का धर्म बनाए, इंसा इंसा बनकर जी ले, होगा सबसे काम महान, तुझे मिला जो मानव जीवन, कीमत उसकी तू पहचान, कीमत उसकी तू पहचान। आजादी का मतलब बंदे, जान सके तो जान, तुझे मिला है मानव जीवन, कीमत उसकी तू पहचान। आजादी का मतलब बंदे, मिलकर अपनी सोच बढ़ाओ, हिम्मत करके आगे बढ़ जाओ, मिलकर अपनी सोच बढ़ाओ, हिम्मत करे आगे बढ़ जाओ,
आरसीएम को तुम अपना कर, आजादी का अलख जगाओ, आजादी का अलख जगाओ, आजादी के मोल पे बंदे खुद हो जाते हैं कुर्बान, खुद हो जाते हैं कुर्बान, तुझे मिला जो मानव जीवन, कीमत उसकी तू पहचान, कीमत उसकी तू पहचान, आजादी का मतलब बंदे जान सके तो जान, तुझे मिला है मानव जीवन, कीमत उसकी तू पहचान, कीमत उसकी तू पहचान, आजादी का मतलब बंदे। थैंक यू सर, थैंक यू। ये रिस्पेक्टेड आदरणीय श्री त्रिलोकचंद छावड़ा जी का एक सॉन्ग था और मेरे दिल को ये छू लेता है सर। आजादी तो सर हमें मिल गया है सर, लेकिन आजादी का उन्होंने बहुत अच्छा से इसमें परिभाषित किया है कि आजादी तो मिल गया है सर, और तुझे मिला मानव का जीवन, कीमत उसकी तू पहचान। हमें सर मानव का जीवन तो मिला है सर, लेकिन क्या इसका असली उपयोग हम कर रहे हैं, इसकी कीमत को हम समझ रहे हैं? एक इंसान का जीवन सर, कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद एक इंसान का जीवन मिलता है, जिस जीवन को इंसान यूं ही खत्म कर देता है, उसकी जीवन का कोई मकसद नहीं रहता है सर। आप सोचिए, एक मकसद बना लेते हैं अपने जीवन का कि भारत के लिए मुझे कुछ करना है, भारत देश के लिए मुझे करना है, भारत के लोगों के लिए मुझे कुछ करना है। क्या सर आपको नहीं जाना जाएगा? आज वीर भगत सिंह को जाना जाता है, क्यों जाना जाता है? क्या उन्होंने अपने लिए कुछ किया था? नहीं, वो देश के लिए किया था सर। उनको पता था कि मैं फांसी पर चढ़ने वाला हूँ, उनको पता था कि मैं शहीद होने वाला हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। अगर वो चाहते तो सरकारी सरकारी गवाह बन के वो बच सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने आप को कुर्बान ही कुर्बान किया, उन्होंने अपने आप को देश के लिए कुर्बान किया, और इसी वजह से आज भगत सिंह को जाना जाता है, उनको पूजा जाता है, उनकी मूर्तियों को फूल चढ़ाया जाता है, उनकी शहादत को याद किया जाता है सर। आप सोचिए सर, सोचिए, एक क्षण सोच के देखिए सर। एक व्यक्ति को फांसी दिया जा रहा है, एक व्यक्ति के साथ जेल में इतने जुल्म किया जा रहा है, एक व्यक्ति को टॉर्चर किया जा रहा है उसको सरकारी गवाह बनाने के लिए सर। आप सोचिए कितने टॉर्चर उन्होंने सहा होगा, कितने जेल में उनको उनको कितने टॉर्चर दिया गया होगा सर, लेकिन उन्होंने देश के लिए अपना कुर्बान हुए, अपने देश के लिए उन्होंने जान दिया सर। लेकिन हमें सर यहाँ पे आरसीएम में जान देने के लिए नहीं बोला जाता है, हमें ये नहीं बोला जाता है कि हम कुर्बानी दें, नहीं, यहाँ हमें ये बोला जाता है कि हम कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा करें कि अपने देश के लिए करें, एक बड़ा लक्ष्य बनाएं, उस लक्ष्य के पीछे भागें, हम अपनी टारगेट को पूरा करें, हम लोगों की ना सुने, हम लोगों को अपने अंदर ईगो नहीं रखें। कितनी अच्छी अच्छी बात सिखाया जाता है सर कि अपने अंदर ईगो नहीं रखना है सर, हमें ईगो को खत्म करना है सर। सर हम सब सर बहुत ही भाग्यशाली है सर, परम सौभाग्यशाली है सर कि हमें एक कॉन्सेप्ट मिला आरसीएम। तो हम आरसीएम को कभी भी आप लोग छोटा मत समझिए, आरसीएम के माध्यम से हम सब वो काम कर सकते हैं सर, जो पूरे भारत में नहीं सर, पूरे विश्व में हम लोगों का नाम लिखा जाएगा, पूरे विश्व में एक सुनहरे अक्षर में हम लोग सभी को नाम लिखा जाएगा सर। और एग्जाम्पल है हमारे पास सर, डॉक्टर सुरेंद्र वस को देखिए सर, आप आदरणीय श्री सुरेंद्र वस जी को देखिए सर, केबल ऑपरेटर थे सर, कौन जानता था उनको, गलियों में केबल लगाते थे, लेकिन आज भारत में नहीं सर, पूरे दुनिया में उनको जाना जाता है, डायरेक्ट सेलिंग का मास्टर बोला जाता है उनको, विश्व पितामह बोला जाता है सर नेटवर्क मार्केटिंग का, पूरे विश्व उनको जानता है सर। मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी आप देश में चले जाइए, डायरेक्ट सेलर तो लोग उनको नहीं जानते होंगे सर। क्यों जानते हैं सर? क्योंकि उन्होंने कुछ किया है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कुछ ऐसा किया है सर। और एक समय आएगा सर, हम सभी साथियों को एक दिन वैसा ही पहचान मिलेगा, एक वैसा ही नाम मिलेगा सर, जो आदरणीय श्री सुरेंद्र भट्ट जी को मिला है सर। तो बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है सर, ये एक बहुत बड़ी क्रांति है सर, जो अभी आपको छोटा दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में ना केवल भारत में सर, ये विश्व के हर कोने में पहुंचेगा, और वहां पे हम सभी के नाम को जाना जाएगा। यहाँ सर पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है सर, पैसे के साथ सर हमें वो चीज मिलता है सर जो दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता सर। तो आइए सर, आज हम मेन टॉपिक पे चलते हैं सर, आज गुरुदेव ने मुझे ऑर्डर दे दिया है सर, तो
तो बहुत बड़ी बात है सर, और आज बहुत बड़ा होगा सर। आप सभी बस बने रहिएगा सर, मीटिंग को लेस मत कीजिएगा सर, क्योंकि आज बहुत कुछ सर जानने को मिलेगा सर। आज आजादी का असली मतलब जानने को मिलेगा सर। आज हम समझते हैं ना सर कि हम आजाद हैं सर। हम आजाद तो हैं मैं मानता हूँ, लेकिन क्या आर्थिक तरीकों से हम आजाद है सर? और जो व्यक्ति आर्थिक तरीके से सर आजाद नहीं है सर, आज वो आजाद नहीं है सर। आज वो कई प्रकार की गुलामियों को झेल रहा है। जब तक वो आर्थिक आजादी नहीं पा लेता है सर, वो कई प्रकार की गुलामियों को झेल रहा है सर। जब हमारा देश आजाद था सर, बहुत सारे लोग कष्ट में सर कष्ट में थे। आज हमारा देश राजनीतिक आजाद मिलने के बाद भी सर बहुत सारे लोग कष्ट में सर, घोर कष्ट में सर, ऐसे ऐसे कष्ट में सर हैं जो आप पता होगा, और इस मीटिंग के माध्यम से हम लोग उस बात को समझेंगे सर। तो चाहिए सर हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 लाइनों से सर। वसूलों पे जब आंच आए तो टकराना जरूरी है, वसूलों पे जब आंच आए तो टकराना जरूरी है, क्यों जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है सर। आज 15 अगस्त है सर, और आज मैं एक आह्वान करता हूँ सर, आप लोग समझिए सर कि जब भी सर हमारे ऊपर आंच आता है सर, जब भी हमारे ऊपर कोई चैलेंज आता है सर, उससे लड़ना चाहिए, उसको उससे भागना नहीं चाहिए सर। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, हमें ऐसा दिखाना चाहिए सर। अगर हम जिंदा हैं सर तो जिंदा नजर आना चाहिए सर। आज भारत में बहुत सारे लोग सर जिंदा तो हैं, लेकिन जिंदा नहीं के समान है वो, ना के समान है सर। बस अपनी जरूरतें जीवन को काट रहे हैं सर। आप सब देखते हैं सर, बहुत सारे लोग पूछे कैसे हो, बोलते हैं सर कट रही है सर, काट रहे हैं जीवन को। तो जीवन को काट रहे हैं सर, क्या जिंदा है सर? वो जिंदा होते भी जिंदा नहीं है सर, वो काट रहे हैं सर। और कहीं ना कहीं सर आरसीए में आने से पहले भी मेरा भी यही स्वभाव था, मेरा भी इतना ही सोच था कि बस कट जाए जिंदगी और कुछ पैसे कमा ले, बस इतना ही सोच था सर कि कुछ पैसे कमा ले सर, सिर्फ अपने बारे में सेल्फी सोच सर। सर जब मैं बचपन में था तो मैं, अभी सर मैंने आपको बताया पहले कि मैं 15 अगस्त के दिन बहुत उत्साहित रहता था, और मैं सोचता था मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, अपने समाज के लिए कुछ करूं, लोगों के लिए कुछ करूं। मेरा सोच बहुत बड़ा होता था सर बचपन में। मैं अपने देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे मेरा देश गर्व करे, मेरे देश के लोगों मेरे मेरे ऊपर गर्व करें। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होते चला गया सर, शायद मेरी मेंटलिटी चेंज हो गई, क्योंकि वातावरण मुझे ऐसा मिलता गया। मैं ऐसे प्रोफेशन में आ गया सर, ऐसे काम में आ गया जहाँ पे मेरी मेंटल स्थिति कहें कि वो चेंज होता चला गया सर। और जहां मैं सर ये सोचता था कि मैं देश के लिए सेवा करूं सर, वहां मैं बिल्कुल विपरीत हो गया सर। सिर्फ अपने बारे में सोचता था कि मैं सुबह से शाम तक कैसे 1,000 2,000 3,000 रुपए कमा लूं सर, क्योंकि सर मेरा मोबाइल का शॉप था, और मोबाइल के शॉप में एक दुकानदार का सर यही उद्देश्य होता है कि सामने वाले के जेब से कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाला जाए। जी वो कहते हैं ना सर कि जैसा व्यक्ति वैसा टोपी, तो उसको कैसा टोपी पहनाया जाए, मतलब उसके जेब से कितना पैसा निकाला जाए, यही मेंटेलिटी रहता था सर। और मैं बिल्कुल ही बचपन का सपना भूल गया था कि मैं पैदा किस लिए हुआ हूँ, मैं पैदा देश के लिए हुआ हूँ, मैं पैदा देश के लोगों के लिए हुआ हूँ, बिल्कुल मैं भूल गया था, और सिर्फ अपना जेब भरने के चक्कर में रहता था सर। और यही हो रहा है सर, आज हिंदुस्तान में यही हो रहा है सर। आज जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है सर, जो लोगों से मिलते हैं, फील्ड में काम करते हैं, आप लोग देख सकते हैं सर, हम जाते हैं कहीं भी, एक लाला के दुकान पर जाते हैं, लाला का उद्देश्य क्या रहता है? वो कबाड़ा सामान बेच रहा है, वो मिलावटी सामान बेच रहा है, उसको मतलब नहीं है खा के लोग बीमार हो जाए, उसको मतलब नहीं है सर। आरसीएम के बारे में सर बताओ, उसको बताओ कि सर आरसीएम का प्रोडक्ट सर बढ़िया है सर, रख लो, तो उसको कोई मतलब नहीं है कि आरसीएम का सामान बढ़िया है, शुद्ध है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसके जेब भरना चाहिए, इससे मतलब है उसको सर। इसमें कुछ लोग सर दुकानदार होंगे, तो मैं अपने पहले ही मैं सॉरी मांगता हूँ सर, क्षमा चाहता हूँ कि किस लोगों को दुख भी लगेगा तो मैं सर पहले ही क्षमा चाहता हूँ सर। लेकिन ये सच्चाई है सर, और सच्ची बात सर कड़वा लगता है सर। सभी लोग नहीं है, मैं नहीं, मैं मानता हूँ सभी लोग नहीं है सर, सभी लोग होते सर तो इस दुख यहाँ पे इतने लोग होते ही नहीं सर। अगर सर मैं भी उन लोगों में होता तो मैं यहाँ आरसीएम में आता? मेरे को आरसीएम कभी समझ में नहीं आता सर। लेकिन हाँ, हम बाई प्रोफेशन जब उसमें आ जाते हैं सर, तो हमारी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि वो पहले का जो सोच होता है सर, वो धीरे धीरे बदल जाता है सर। तो मेरा भी सर ऐसे ही बदल गया था सर। तो मैं अभी बात कर रहा था सर, आप कहीं भी सर चले जाओ, एक नेता को सब पकड़ लो सर, आप आसपास के कोई एक नेता, जैसे आपको पार्षद हो, कोई भी हो, आप देखिए सर उसके मन में क्या चलता है सर। उसके मन में ये नहीं चलता है कि मैं लोगों के लिए विकास करूं, उसके मन में ये नहीं चलता है कि मैं लोगों के लिए रोड बनवा दूं, उनके अच्छे घर बना दूं, नाले का विकास कर दूं, पानी का विकास कर दूं, नहीं, उसके मन में ये चलता है कि इतना फंड आया है तो उसमें से कैसे आधा इसमें घपला करूं, आधा पैसे कैसे अपने जेब में रखूं,
यहाँ तक कि आधा तो शरीर है, 60-70% पैसे जेब में चला जाता है और मात्र 20-30% ही विकास में लगता है सर। ये सर स्थिति हो गया सर हमारे देश की, इतनी बुरी हाल हो चुकी है सर हमारे देश की सर। लेकिन आरसीएम सर इतना पवित्र सिस्टम सर, इतना पवित्र काम कि लोगों की दिमाग ही बदल देता है सर, उनकी सोच ही बदल देता है सर। मैं सर सेल्फी हो गया था, अपने बारे में खाली सोच रहा था सर। जब मैं आरसीएम में आया सर, तब तो मुझे बचपन का वो ख्याल आया, मुझे पता चला है कि मैं किस ओर चला आया हूँ, मेरी सोच क्या था, मैं बचपन में क्या चाहता था, मेरे क्या सपने थे, और मैं जस्ट विपरीत चल रहा हूँ सर, विपरीत चल रहा हूँ। जहां मैं लोगों की भला करना चाहता था, वहां मैं लोगों का जेब काट रहा हूँ। जहां मैं देश की भला करना चाहता था, वहां मैं देश को कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, देश के लिए मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। मेरी बिल्कुल मेंटेलिटी सर चेंज हो गया था सर। लेकिन आरसीएम में आने के बाद मुझे एहसास हुआ, और मैं थैंक्स कहता हूँ अपने गुरुदेव को, आदरणीय श्री नरेश सर, आदरणीय श्री सुरदीप सर को, कि मुझे आरसीएम को समझाए ठीक से। और मैं आदरणीय श्री गिरधारी गोयल जी को भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आरसीएम में वो लेके आए। पहली बार मुझे आरसीएम के बारे में उन्होंने बताया कि आरसीएम क्या है। तो आरसीएम के माध्यम से सर मैं ये समझने लगा सर धीरे धीरे। और सर आइए हम लोग टॉपिक पे ही चलते हैं सर, क्योंकि फिर वैसे लेट होगा। तो हम आइए बात करते हैं सर कि आरसीएम से मिलेगी असली आजादी। आरसीएम से असली आजादी कैसे मिलेगी, ये हम लोग सोचते हैं कि आरसीएम से मिलेगी असली आजादी। तो क्या अभी हम आजाद नहीं है? बहुत सारे लोग इस लाइन को पढ़ के ये सोच रहे होंगे कि क्या अभी हम आजाद नहीं है। बिल्कुल सर हैं, आजाद हम हैं, बिल्कुल ऐसा बात नहीं कि नहीं आजाद है। लेकिन आइए हम बढ़ते हैं कि आजादी है क्या, असली आजादी, असली आजादी है क्या, हम ये सोचते हैं कि असली आजादी है क्या। तो कुछ सवाल मैं करना चाहूंगा सर आप लोगों से कि क्या देश का आजाद हो जाना ही असली आजादी है? आज हमारा देश आजाद है, आज हमारा देश स्वतंत्र है, राजनीतिक तरीकों से आज हमारा देश आजाद है। लेकिन क्या देश के आजाद हो जाने से ही हमारा देश, आवाज आ रहा है सर? कोई साथी एक बार बोलेगा, मेरी थोड़ा सा डिस्टर्ब, थोड़ा आवाज आ रहा है मेरी? हेलो, आ रहा आ रहा सर आवाज? हेलो, रही है सर, आ रही है, बिल्कुल ओके क्लियर आ रही है सर, क्लियर आ रही है, ओके ओके, कोई थैंक यू प्रॉब्लम सर, नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि यहाँ सर थोड़ा सा मेरे पास चैलेंज आ रहा था, इसे मैं पूछ रहा था। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या देश का आजाद हो जाने से ही असली आजाद हो जाना ही असली आजादी है? क्या देश आजाद हो जाने से हमारे देश के हर व्यक्ति, हर परिवार के आजाद है? क्या जिस देश में कुछ ही दिनों पहले लोगों की जिंदगी को पैसे के सामने कुछ न समझा गया हो, क्या यही असली आजादी है? हमारे देश में अभी कुछ साल पहले हमने देखा कि कोरोना आया था। कोरोना में क्या हुआ था सर? कोरोना में पैसे के लिए लोगों की जिंदगी के सौदे किया गया था। 1-1 हजार का सिलेंडर ऑक्सीजन का 10-10 हजार में, 50-50 हजार में, 1-1 लाख में बेचा गया था सर। क्या यही देश की असली आजादी है सर? पैसे पे पैसे पैसे से बेड खरीदा गया था सर, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए बेड भी, ऑक्सीजन का वो वेंटिलेटर भी उनको नसीब नहीं हो रहा था सर। क्या यही हमारे देश की सर असली आजादी है? क्या जिस देश में युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हो, क्या इसे ही आप असली आजादी कहते कह सकते हैं? हमारे देश के हजारों युवाएं, लाखों करोड़ों युवाएं बेरोजगारी झेल रहा है सर, उसको नौकरी नहीं है सर, वो करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, कुछ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है। क्या यही असली आजादी है? क्या देश में किसान, क्या देश में किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं? तो क्या यही असली आजादी है सर? हमारे देश के किसान सर हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे देश के स्टूडेंट सर, हजारों स्टूडेंट तो हमारे देश में सालों में हत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं सर। क्या यही असली आजादी है सर? क्या आज हम असली आजादी सर पा लिए हैं? तो आइए सर समझते हैं सर कि किसी देश की असली आजादी, असली आजादी का अर्थ क्या है, असली आजादी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं सर। तो आइए हम बात करते हैं सर, आप अपने मन से मजबूत हो, न कि डर के गुलाम हो सर। आपको सर अंदर से मजबूत होना चाहिए, मन से मजबूत होना चाहिए, डर का गुलाम नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप अंदर से मजबूत हो गए, मन से मजबूत हो गए सर ना, उस दिन आप असली आजाद हो जाएंगे सर। आज सर हम डरे हुए हैं सर, आज हम मन से डरे हुए हैं, आज अंदर से हम डरे हुए हैं सर। हमें डर है, हम नौकरी कर रहे हैं सर, फिर भी हम डर रहे हैं सर। अपने अपने बॉस से डर रहे हैं सर, अपने सीनियर से डर रहे हैं सर,
हमारे अंदर हमेशा डर चलता रहता है सर। नौकरी चले जाने का डर है सर, नौकरी छीन जाने का डर है सर। हमें डर रहता है कि कब हमें नौकरी से निकाल दिया जाए सर। हमें 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 वेतन कम हो जाने का डर है सर। हमें डर रहता है कि आज सैलरी मिल रहा है अच्छा खासा, कल कल सैलरी में से कटौती हो सकता है सर, कल सैलरी को कम कर दिया जाएगा सर। हमें ये सब डर हमेशा अंदर सर हमारे डर रहता है सर। हम कभी सर स्टार्टअप करते हैं, कभी बिजनेस करते हैं सर, उसमें हमें डर रहता है सर कि हम इस स्टार्टअप को तो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या हम स्टार्टअप को सर्वाइव कर सकते हैं, क्या हमारा बिजनेस चल सकता है, इस बात का डर होता है सर हमेशा सर। हम डर के गुलाम बन चुके हैं सर, हम डर के अधीन में है सर, हमेशा डर से हम जीते हैं सर। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे आबादी है सर जो हर दिन हर समय वो डर डर के अंदर है, वो डर के गुलाम है सर। तो क्या सर हम डर के गुलाम है सर, तो क्या हम आजाद है सर? नहीं, असली आजादी का मतलब ये है सर कि हमें अपने अंदर डर ना हो सर, हम लीडर हो सर, हमें किसी भी प्रकार के कोई भय ना हो, किसी भी प्रकार के कोई डर ना हो, किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी कोई कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो सर। असली आजादी का ये अर्थ है सर। आपको आर्थिक तंगी में जीना पड़ रहा है सर, आपको आर्थिक तंगी में ना जीना पड़े सर। जब सर असली आजादी का मतलब ये है सर कि हमें आर्थिक तंगी ना हो सर, हमें आर्थिक प्रॉब्लम ना हो सर, हमें पैसे की कोई प्रॉब्लम ना हो सर। हम अपनी पैसे की वजह से कोई कोई चीजें हम पूरा ना कर सके सर, ऐसा ना हो सर। आज सर देखा जाए सर तो आज 2024 में भी लोग आर्थिक तंगी में जी रहे हैं सर। आज 2024 में भी सर लोगों को बहुत सारी चीजें सर जब जरूरतें भी लोग पूरा नहीं कर पा रहे सर। सपने की तो बात छोड़िए सर, पैसे के लिए सर पता नहीं क्या क्या हो रहा है सर। पैसे के लिए लोग लड़ रहे हैं सर, पैसे के लिए लोग बेईमानी कर रहे हैं सर, पैसे के लिए आपस में लड़ाई हो रहा है सर, पैसे के लिए एक भाई दूसरे भाई को जान लेने पे तुला है सर, पैसे के लिए सर पता नहीं क्या क्या चीजें हो रहे हैं सर पैसे के लिए। तो क्या सर हम इसी को असली आजादी बोलेंगे? आज अगर हमारे पास आर्थिक तंगी है, पैसे के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता हो, पैसे के लिए हमें किसी से बेईमानी करना पड़ता हो, पैसे के लिए हमें गलत सलत काम करना पड़ता हो सर, तो क्या यही असली आजादी है सर? तो हम सर आजादी का असली मतलब सर है कि आर्थिक तंगी में ना जीना पड़े सर, पैसे के लिए हमें कोई गलत कदम ना उठाना पड़े सर, पैसे के लिए हम भाई भाई में भाई भाई के दुश्मन ना हो, पैसे के लिए हम सर देश को नुकसान ना पहुंचाए सर। आपको काम मिले और उस काम में बड़ी संभावना मिले, ये होता है सर असली आजादी। आपको काम तो मिला है सर, लेकिन उस काम में आपको बड़ी संभावना मिले सर, उसको बोलते हैं असली आजादी सर। आज सर बड़ी संभावना नहीं है सर, आपको काम मिला सर उसमें कोई बड़ा संभावना नहीं है सर, तो कैसी आजादी सर? आपको काम मिला, आपको 100 रुपये ही मिल रहा है उस काम में, आपको 100 रुपये ही मिल रहा है सर, आपको उस काम में 500 ही मिल रहा है, जो आप जरूरतें हैं जो आपके सपने हैं वैसा पैसा नहीं मिल रहा है सर, तो आपको कैसा सर कैसा आजादी सर? आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कुछ करना चाहते हैं, आप पे आपके अंदर क्षमता है, आप कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर स्किल्स है, आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास संभावनाएं नहीं है। तो सर असली आजादी का मतलब यह है सर कि हमारे पास संभावनाएं अनंत होना चाहिए सर। आइए सर बात करते हैं कि आप देश को अपना समझ पाएं और इसके लिए कुछ कर पाएं। मैं सर अभी वही शुरुआत में टॉपिक यही छेड़ा था सर कि क्या आज हम देश को अपना समझते हैं सर? असली आजादी का मतलब क्या है सर कि हम अपने देश को अपना समझे, खुद अपना समझे, हर वो कदम उठाएं जिससे हमारे देश को विकसित किया जा सके। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है सर? क्या ऐसा हो रहा है? क्या हम अपने देश को अपना समझ पा रहे हैं? क्या हम अपने देश को अपना मानते हैं सर? अगर हम अपने देश को सर अपना मानते तो हमारे देश में भ्रष्टाचार नहीं होता सर, हमारे देश में करप्शन नहीं होता सर, हमारे देश में लूटपाट नहीं होता सर, हमारे देश में बलात्कार नहीं होता सर, हमारे देश में बेईमानी नहीं होता सर, हमारे देश में सर करप्शन ही करप्शन है सर। हमारे देश के नेता करप्ट है सर, हमारे देश के पुलिस वाले करप्शन में सर, हमारे देश के हर एक सरकारी कर्मचारी करप्ट है सर। कहीं भी जाइए सर बिना घूस का काम नहीं हो रहा सर, कहीं भी जाइए बिना डोनेशन का कोई काम नहीं हो रहा सर। आज सोचिए जिस 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 देश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो, जिस देश की जड़ें ही भ्रष्टाचार पर सर टिकी हो, क्या वो सर हम आज भी सोचते हैं कि हम असली आजादी हमारे देश में है? क्या हम देश को अपना मानते हैं सर, दिल से अपना जानते हैं सर, देश के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारे देश की विकसित किया जा सके सर? क्या है सर वो? क्या आरसीएम से वो नहीं मिल सकता है सर? ये चीजें आरसीएम से नहीं मिल सकता है सर?
जिस दिन हम आरसीएम में सर आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे सर, तो क्या सर हमारे पास आर्थिक तंगी रहेगी? जिस दिन सर हम आरसीएम में करना स्टार्ट कर देते हैं सर, तो क्या हम यहाँ पे डर रहता है सर? हमें किसी प्रकार का कोई डर रहता है सर? हमें कोई टॉर्चर करे, कोई साथी हमें मना करे, कोई कोई बॉस हमारे ऊपर हो, क्या इस बात का कोई डर रहता है सर? क्या सर आरसीएम में आपको संभावना नहीं है सर? आरसीएम में इतनी बड़ी संभावनाएं है सर, इतनी बड़ी संभावनाएं है सर, तो किसी भी फील्ड में नहीं हो सर, अनंत संभावनाएं है सर यहाँ पे आरसीएम में सर। आरसीएम में सर हम आते हैं तो अपने देश के लिए सर करते हैं, हमारे पास सर एक छोटी सी इनकम भी आती है सर ना, तो उसमें भी टीडीएस कट के आता है सर। सोचिए आरसीएम में आते ही सर हम स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करना चालू करते हैं सर, देश के लिए कितना बड़ा सर यहाँ पे एक योगदान देते हैं सर। हम आरसीएम में पक्के बिल पे लेते हैं सर, सोचिए अपने देश के लिए कितना बड़ा योगदान देते हैं सर। तो क्या सर आरसीएम का मतलब हम असली आजाद नहीं समझ सकते हैं सर? इसलिए मैं बोला सर आपको शुरुआत में मेरा टॉपिक यही सर कि आरसीएम से मिलेगी असली आजादी। आरसीएम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है सर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हमें असली आजादी मिल सकता है सर, और आर्थिक आजादी हमें मिल सकता है यहाँ से। अब आइए बात करते हैं आरसीएम से मिलेगी असली आजादी। आरसीएम सबके लिए अवसर देता है सर, ना कि कोई एक सिंगल व्यक्ति के लिए सर। आजादी का मतलब ये है सर कि सबके लिए अवसर मिले सर, सबके लिए, क्या गरीब क्या अमीर, क्या पढ़ा क्या लिखा, क्या कोई जात पात का भेदभाव नहीं हो सर यहाँ पे, सबके लिए बराबर सर अवसर हो। पढ़ने के सर बाहर में फील्ड में क्या होता है सर, पढ़ने के बाद भी लोगों को अवसर नहीं मिलता है। डिग्रियां है उनके पास फिर भी उनके पास अवसर नहीं है, डिप्लोमा है उनके पास फिर भी उनके पास अवसर नहीं है, सरकारें अवसर नहीं दे रही है, संस्थाएं अवसर नहीं दे रही है सर, कहीं भी अवसर है ही नहीं सर। लेकिन आरसीएम में सर यहाँ पे सबके लिए अवसर है सर। एक व्यक्ति आईडी लगाने के बाद में उसके पास भी वो अवसर मिल उसको आईडी लगाते ही वो अवसर उसको मिल जाता है कि वो बड़ा कर सकता है सर। 2 से 3 साल में वो एक बहुत बड़ा कर सकता है सर, उसके पास सर बहुत बड़ा अवसर है सर। बहुत कुछ लगाना नहीं है सर, दूसरी बात सर बहुत कुछ लगाना ही नहीं सर, यहाँ में बहुत कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती है सर, कुछ भी नहीं लगाना होता है सर, सिर्फ एक बदलाव करना होता है, सिर्फ एक चेंजिंग करना होता है, जिस चेंजिंग के माध्यम से यहाँ पे हम बहुत बड़ा कर सकते हैं सर। कुछ लगाने की सर जरूरत नहीं है सर। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ सर पर मेरे पास पैसे नहीं है सर, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ सर मेरे पास स्किल्स नहीं है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ मेरे पास डिप्लोमा नहीं है, मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ सर पर मैं ऊंची कास्ट का नहीं, ऊंची जाति का नहीं हूँ सर, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ सर लेकिन मेरी हाइट सर छोटी है सर, मेरी हाइट लंबी नहीं है सर, क्या मतलब है सर, क्या मतलब है सर? यहाँ कुछ बड़ा करने के लिए सर यहाँ पे कुछ लगाना ही नहीं है सर, आप जैसे भी हो ठीक हो सर, आपके लिए परफेक्ट है सर, आपको कुछ यहाँ अलग से लगाने की जरूरत नहीं सर। तीसरी बात समझते हैं सर, संभावनाएं अनंत है सर, संभावनाएं अनंत है सर। आजादी का मतलब है सर अनंत संभावनाएं, जहाँ संभावनाएं बहुत हो सर। सर एक बात समझिए, ब्रह्मांड हमको संभावनाएं देती है सर, मोबाइल बन सकती है सर, ये संभावनाएं हैं, हेलीकॉप्टर बन सकती है सर, ये एक संभावनाएं था सर, पहले संभावना था लेकिन इसी संभावना को सच किया गया सर। मोबाइल सर जब बना उससे पहले एक सोच था, एक संभावना था कि हाँ जी मोबाइल बन सकता है, लेकिन एक व्यक्ति ने उस पर काम किया और मोबाइल को बना डाला। हेलीकॉप्टर बनाने का एक संभावना था कि हेलीकॉप्टर बन सकता है, एक व्यक्ति ने काम किया और हेलीकॉप्टर को बना डाला सर। आज हर चीज सर, हर चीज जो भी सर चीज हम देखते हैं यूज करते हैं, एक इसका पहले संभावनाएं बना है और उसको फिर हकीकत में रियलिटी में बदला गया है सर। तो आरसीए में अनंत संभावनाएं है सर, आरसीए में संभावनाएं हैं कि यहाँ पे बैठे हर व्यक्ति डायमंड बन सकता है, यहाँ पे बैठे हर व्यक्ति स्टार डायमंड बन सकता है सर, संभावनाएं हैं सर, लेकिन उसको सर सर्च करना पड़ेगा, आप ही को सर्च करना पड़ेगा सर, खुद ही करना पड़ेगा सर। लेकिन सर संभावनाएं तो हैं और कहीं तो ये संभावनाएं ही नहीं है सर कि हम कुछ कर पाएंगे सर। तो संभावनाएं अनंत है सर। चौथी बात समझते सर, इसके अलावा कोई इससे बेहतर विकल्प ही नहीं है सर। इसके अलावा सर मैं खुल के सर चैलेंज के साथ कह सकता हूँ सर, पूरे दावे के साथ आप सबको ठोक के कह सकता हूँ सर, आप कुछ भी काम कर दीजिए सर, कोई भी दिमाग लगाइए, कोई भी सेक्टर में जाइए, क्या आपको इससे बड़ा, इससे बेहतर विकल्प, इससे अच्छा विकल्प मिल सकता है? आरसीएम से अच्छा विकल्प आपको मिल सकता है सर, जहाँ कुछ लगाना नहीं हो, जहाँ पे पढ़ाई का कोई मैटर नहीं है, जहाँ पे डिग्री डिप्लोमा नहीं मांगा जाता हो,
जहाँ पे आपको कास्ट नहीं माना जाता, और किस जाति से हो, किस कलर से हो, आप बिहारी हो, आप राजस्थानी हो, आप हरियाणी हो, क्या मैटर है सर, कोई मैटर नहीं, कोई भेदभाव ही नहीं है सर। यहाँ पे वही रिस्पेक्ट दिया जाता है जो सबके लिए बराबर है सर। जब हम सर आरसी के बिजनेस में सर इकट्ठा होते हैं सर, हम लोग देखते हैं ना, अभी सिटी डब्ल्यू में जब हम इकट्ठा हुए थे, हमने देखा हमारे बीच में आदरणीय श्री नरेश सर स्टार इमराज थे सर, लेकिन पता चलता है उसमें, पता चलता है उसमें, पता ही नहीं चलता है सर। एक जैसा ड्रेस, एक जैसा पहनावा, एक जैसा वेशभूषा, एक जैसा सब चीज रहता है सर, एक माहौल रहता है सर, एक जैसा कुर्सी चेयर रहता है सर। ऐसा भी नहीं है कि इनका बड़ा चेयर है हमारा छोटा चेयर, एक जैसा सर सारा, पता ही नहीं चलता सर। मेरा सेलिब्रेशन हुआ सर, वीडियो डाला सर, उस वीडियो में मैंने गौर से देखा, मुझे पता चला इस वीडियो में पता ही नहीं चल रहा है कि कौन स्टार इमराल्ड है, कौन स्टार पर्ल है, कौन पर्ल है, पता ही नहीं चल रहा है। उसमें लग रहा है मैं ही स्टार पर्ल हूँ, मुझे इतना सम्मान किया जा रहा है, उस वीडियो में लग रहा है कि मैं ही सबसे सीनियर हूँ, मैं ही यहाँ पे डायमंड हूँ। तो यहाँ सर आप समझ सकते हैं सर, यहाँ कोई कुछ यहाँ है ही नहीं सर, एक एक साधारण व्यक्ति सर जिसको कोई अवसर नहीं मिल रहा है सर, यहाँ बहुत बड़ा कर सकता है सर। ये बहुत बड़ी बात है सर, भारत में 90%, 90 तो छोड़िए सर, 95% लोगों के पास कोई बड़ा अवसर नहीं है सर, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास जहां से बहुत बड़ा कर सके, जहां से वो सपने पूरे कर सके, जहां से वो काम कर सके जो वो चाहते हैं, जिसके लिए वो पैदा हुए हैं। सफलता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है सर, लेकिन सफलता पाने का सर उनके पास कोई रास्ता नहीं है सर। और बहुत ही परम भाग्यशाली है सर हम लोग के, हमारे पास रास्ता है सर, हम लोगों को दे सकते हैं सर, हमारे पास तो है ही है, और हम ये लोगों को दे सकते हैं सर। हम सर नए साथियों के पास जाते हैं, बताते हैं, उनको नहीं समझ में आता है सर, गलती उनकी नहीं सर, गलती कहीं ना कहीं हमारी, हम समझा नहीं पाते हैं सर। एक बार में सर समझ में नहीं आता है सर, उसके पास दोबारा जाइए, तिबारा जाइए, 4 बार जाइए, 5 बार जाइए, कम से कम 5 बार तो जाइए। आदरणीय श्री सुरेंद्र भट्ट जी इस बात को बोलते हैं कि कम से कम 5 बार हमें फॉलो अप करना है उसको। आइए आगे बढ़ते हैं सर, आरसीएम में सफलता क्या बहुत मुश्किल है? आइए सर, ये भी टॉपिक बहुत बढ़िया है सर। अभी जैसे हम सभी साथी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे साथियों को लगता है यार कि बहुत मुश्किल है आरसीएम, बहुत मुश्किल है आरसीएम यार, अपने बस की नहीं, बहुत मुश्किल है उनको लगता है। लेकिन सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि आरसीएम में सफलता बहुत मुश्किल है, तो क्या गरीब रहना बहुत आसान है सर? क्या गरीब रहना बहुत आसान है सर? क्या सर किसी चीज को देख के, किसी चीज को देख के अपने मन को बहला के वहां से रिटर्न आ जाना क्या बहुत आसान है सर? क्या चीज किसी चीज की जरूरत हो सर और अपने मन को हम संभावना दे देते हैं सर कि चलो अगले महीने उसको पूरा करेंगे, अगले महीने नहीं होता है तो अगले महीने पूरा करते करेंगे, ऐसे करते करते हम सालों लगा देते हैं सर उस चीज को खरीदने में, उस चीज को पूरा करने में सर। क्या ये बहुत आसान है सर? क्या ये बहुत आसान है सर? एक गरीब व्यक्ति से जाके सर पूछिए, जिसके पास जो दिहाड़ी व्यक्ति है सर, सुबह से लेकर शाम तक वो जो पैसा कमाता है और वो पैसा रात को उसका खत्म हो जाता है, फिर सुबह उसको सोचना पड़ता है कि सुबह आज दिन के खाने के लिए कहाँ से हम एडजस्ट करें, कैसे कैसे कमाए, कैसे पैसा को लेके आए सर। क्या ये सर बहुत आसान है सर? आसान तो सर कुछ भी नहीं है सर, आसान तो कुछ भी नहीं है सर। आरसीए में सफलता भी आसान नहीं है तो सर गरीब रहना भी आसान नहीं सर। क्या बेरोजगार रहना सर आसान है? क्या बेरोजगार रहना आसान है सर? एक बेरोजगार व्यक्ति से जाके पूछिए सर, पूछिए उससे कि वो क्या सोचता है, उसके दिमाग पे क्या चलता है सर, वो डिप्रेशन में आ जाता है सर, वो डिप्रेशन में आ जाता है सर, वो अपने आप को कोसता रहता है, गालियां देते रहता है, वो सरकार को गालियां देता है, लोगों को दोषी ठहराता है। क्या सर बेरोजगार रहना आसान है सर? वो दिन दिन भटकते, दिन दिन भर भटकते रहता है सर। मैं फरीदाबाद में सर मैंने देखा है सर, छोटी छोटी नौकरियों के लिए सर, फोर्थ ग्रेड की नौकरियों के लिए सर, हेल्पर के लिए लोग कंपनी टू कंपनी, कंपनी टू कंपनी बायोडाटा लेके घूमते हैं सर। बायोडाटा समझ लीजिए, एक बड़ा सा बायोडाटा बना लेते हैं सर, उसमें बहुत सारे उनके पास डिग्री भी है, डिप्लोमा भी, ऐसा नहीं कि नहीं है सर, और उसको लेके वो घूमते हैं कंपनियों में सर, उनको रोजगार नहीं मिलता सर, उनको काम नहीं मिलता सर। जाके उनसे पूछिए क्या वो आसान है? उनको किसी गेट पे जाते होंगे कंपनी के, वहां से भगा दिया जाता होगा उनको कि भाई जगह खाली नहीं है, सीधे बोल दिया जाता है जगह खाली नहीं है सर, अगले महीने आना, अगले साल आना, अगले दिन आना, मंडे को आना, ट्यूजडे को आना सर, वहां से रिटर्न आना क्या आसान बात है सर? जब मैं सर पहली बार आया था फरीदाबाद में, तो यहाँ पे मैंने जॉब भी किया 3 साल सर, 3 साल मैंने जॉब भी किया सर। तो पहली बार जब मुझे जाने का मौका मिला जॉब में, मैंने भी पहली बार एक जगह ट्राई किया था, तो वहां पे मेरे को भगा दिया गया, भगा दिया मन का,
वहां पे मना कर दिया कि इस महीने नहीं अगले महीने आना। पहली बार मुझे किसी ने सर रिटर्न किया था और मेरे दिल में वो टीस लगा था सर। वो वहां से जब मैं वापिस आया था उस कंपनी से, मुझे ऐसा लगा था सर यार मेरी वैल्यू ही नहीं है कुछ सर। मुझे लगा था यार कंपनी बताओ यार इतना बड़ा शरीर लेके, कहा जाता है कि हमारा शरीर 50 करोड़ का शरीर है। हमारे शरीर को और हम बेचते हैं सर, इसको किडनी लीवर और ये सब चीजें बेचते हैं सर, 50 करोड़ का सर बिक जाएंगे, पूरा शरीर हमारा 50 करोड़ रुपए का है सर। और 500 रुपए दिन की दिहाड़ी के लिए, दिन की नौकरी के लिए हमें वहां से मना कर दिया। कह रहा है जगह नहीं है खाली सर, अगले महीने आना सर। सोचिए वो जब व्यक्ति रिटर्न होता होगा सर, उसके ऊपर क्या गुजरता होगा सर। तो बेरोजगार रहना भी सर आसान नहीं है सर, बहुत भारी बात है सर और बहुत ही मुश्किल है सर। क्या घर पर बैठे रहना और कुछ अच्छा होगा इसका इंतजार करते रहना सर मुश्किल आसान है सर। समझिए सर, एक व्यक्ति घर पे बैठा है सर और वो सोच रहा है कि चलो कल तो अच्छा होगा, परसों तो अच्छा होगा सर, क्या ये इतना आसान है सर। जो व्यक्ति घर में बैठा है सर, उसे जाके पूछिए सर, उसको घर काटने के लिए दौड़ता है, उसके घर की शांति भी उसको चैन से नहीं सोने देती है, चैन से नहीं रहने देती है। उसके घर वाले कितने परेशान होंगे, उसको घर वाले कितने उसको फ्रस्ट्रेशन करते होंगे सर। सोचिए सर, आसान नहीं है सर। एक व्यक्ति सर घर पे बैठा है सर, उसकी वाइफ भी उसको ताना मारती है, उसको वाइफ भी ताना मारती है कि आप दिन भर घर में ही बैठे रहते हो, आप निकले हो निठारे हो, क्या करोगे आप जीवन में, क्या करोगे आप जीवन में, क्या है आपका जीवन का उद्देश्य सर। घर पे बैठे रहना भी सर आसान नहीं है सर, भगवान के भरोसे बैठे रहना भी आसान नहीं है सर, ये भी बहुत मुश्किल है सर। तो आरसीएम करना मुश्किल है सर ना, तो ये सब सोचिए कि ये भी आसान नहीं है सर, ये भी बहुत मुश्किल है सर। आगे बढ़ते हैं सर, क्या सरकारी नौकरी की तैयारी में अपना आधा जीवन समय बिता देना क्या आसान है सर। आज सर सरकारी नौकरी के पीछे अंधाधुन भाग रहे हैं लोग। आज सर आप लोग ट्रेनिंग में देखते होंगे सर, आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे, न्यूज में देखते होंगे सर कि निकला है 50 वैकेंसी और फॉर्म भर रहे हैं 5 लाख लोग। 50 सीट के लिए 5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं सर, कहाँ जाएंगे सर इतने सारे लोग। 50 लोगों का ही तो सिलेक्शन होगा, कितने लोग आपसे। क्या ये नौकरी तैयारी करना सर आसान है। जब मैं सर मैं भी सर गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा था, मैं गवर्नमेंट जॉब का तैयारी इसलिए छोड़ दिया। पहला कारण तो ये था कि मेरा मैरिज हो गया, दूसरा कारण ये था कि मेरे जो दोस्त थे फ्रेंड से, उनका जब जॉब लगा सर, मैंने देखा कि उनका पे स्केल उस समय 22,000 था। मतलब नौकरी इतना मेहनत करो, इतना तैयारी करो, उसके बाद भी नौकरी में लगो तो 22,000 सैलरी, क्या होगा 22,000 सैलरी से। ये 2015 की बात है, उस समय की मैं बात बता रहा हूँ। तो फिर मैंने देखा यार कि पे स्केल उस समय 22,000 साढ़े 22,000 था गवर्नमेंट पे स्केल। तो फिर मेरा मेरा मन वहीं से उब गया, मैंने बोला यार नहीं मुझे नहीं करना तैयारी, मुझे नहीं करना सरकारी नौकरी। तो आइए कहना क्या चाहता हूँ सर, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं सर जो आज भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आज भी सर पूरी जीवन आधा जीवन खत्म कर दिया उन्होंने। सोचिए सर ये 10-12 साल पहले का बात है, 15 साल पहले का बात है, और 15 साल से मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं सर आज भी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। 15 साल पहले भी नौकरी नहीं लगा है और आज भी नौकरी नहीं लगा है, और आज भी इसी इंतजार में है कि शायद सरकारी नौकरी मिल जाए, शायद सरकारी नौकरी मिल जाए। अपने जीवन के 10-12-15 साल उन्होंने खो दिया है सर। क्या सर ये आसान है सर, क्या ये मुश्किल नहीं है सर। एक स्टूडेंट से जाके पूछिए सर, अभी मैं न्यूज देख रहा था, झारखंड का न्यूज था, एक बच्चा सर बोल रहा था मेरे पास ऑप्शन नहीं है। वो रो रहा था, वो रो के बोल रहा था कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है सर, मैं 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर, मेरे पास ऑप्शन नहीं है सर, मैं क्या करूंगा सर, मैं मुझे सर नौकरी नहीं लगा तो मैं मर जाऊंगा सर। उसने बोला कि मैं आत्महत्या कर लूंगा सर, क्योंकि मेरे पिताजी ने बहुत पैसे लगाए, मेरे में खर्च किए हैं। उन्होंने बोला मेरे पिताजी सर साइकिल चलाए, वो रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा चला के सर मेरा पेट भरते हैं सर, मुझे पढ़ने के लिए पैसा देते हैं, अगर मुझे नौकरी नहीं मिला तो सर मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। सोचिए क्या हालत हो गया है सर, क्या ये आसान है सर। आप उन उन युवाओं से जाके मिलिए, उन 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 छात्रों से जाके मिलिए जो 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं सर, एक एक का दुख सुनिए सर। वो बाहर में 10 साल से अकेले रह रहे हैं बेचारे, अकेले खाना बनाते हैं, अकेले खाते हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं सर, कोई ठीक नहीं है सर। कैसे जीवन काट रहे हैं वो और कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ इसी आस में कि सरकारी नौकरी मिल जाए। क्या ये आसान काम है सर, आसान बिल्कुल भी नहीं है सर, जाके पूछिए सर। और हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिन्होंने किया होगा तैयारी, तो आप भी सोच सकते हैं सर कि क्या ये आसान काम है सर। आसान काम नहीं है सर, तो वैसे ही सर आरसीएम भी सर आसान काम नहीं है सर, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा सर।
बस थोड़ा सा ही करना है सर, यहाँ पे थोड़ा सा ही तो करना है सर। आप सोचिए ना कि एक रास्ता बना हुआ है सर, उसी पे तो चलना है हमें, कोई हमें नया रास्ता यहाँ तैयार नहीं करना है। यहाँ में कोई किताबी कीड़ा नहीं बनना है सर, किताब को नहीं चाटना है सर, कोई यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा स्किल नहीं चाहिए सर। साधारण सिंपल आदमी आरसीए में कामयाब हो जाता है सर। आप लोगों ने देखा है बहुत सारे, कमलेश्वर राय को आप देख लीजिए, अनपढ़ व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, सिंपल व्यक्ति आज स्टार हो भी है सर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख लीजिए सर, जिनको कुछ नहीं आता था, जिनको बोलने तक नहीं आता था, आज वो कामयाब है सर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है सर जहां हमें कुछ बड़ा नहीं करना है सर। हमारे अंदर कुछ भी अगर नहीं है तो भी हम कामयाब हो जाते हैं सर, लेकिन यहाँ बस एक ही डेडिकेशन मांगता है कि कितने आप डेडिकेशन से, कितना ईमानदारी से आप लगे हैं, आप टिके हैं, अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, अपने स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, अपने आप को फील्ड में लगा रहे हैं सर। ये मेहनत, यही मेहनत सर, और यही मायने रखता है सर। तो आप देख सकते हैं सर, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी देता है सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। एक बड़ा अपॉर्चुनिटी देता है सर इस माध्यम से, आरसीएम के माध्यम से सर, हम उन युवाओं तक भी पहुंच सकते हैं सर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं सर, और जो कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं सर। तो वेलकम सर, थैंक यू सर। हमारे बीच में जो भी साथी है, विनोद सर या फिर गिदारी सर।